ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 5 है। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्फेरिकल मिरर में जितने भी टर्म्स हैं उसे आप याद कर लें, उसके बाद अब आप आगे की ओर पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन आपने प्लेन मिरर में देखा है। यदि आप इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ पा रहे तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। यू ऑल्सो नो द नेचर पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय देम। मुझे उम्मीद है कि आपको यह थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन पूरा तो क्लियर नहीं होगा। हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो अब हम लोग को देखना है स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यदि कॉनकेव मिरर हम लोगों ने रखा है या कॉन्वेक्स मिरर रखा है तो अलग अलग पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। आर द इमेजेस रियल और वर्चुअल। तो यह रियल इमेज बनेगा फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आगे मैं आपको सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। आर दे इनलार्ज डिमिनिश्ड और हैव सेम साइज। तो क्या ये बड़े इमेज बनेंगे या फिर बहुत छोटे इमेज बनेंगे या फिर बराबर साइज के इमेज बनेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है आपका। एनसीईआरटी पढ़ने से यही होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन आदमी को हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 10.3 दिखाया गया है, तो ये बिना काम का एक्टिविटी है, कोई प्रश्न भी नहीं आने वाले हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होने वाला है। हालांकि आपको मन है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वयं तो मैं इसे नहीं पढ़ाने वाला, आप इसे स्वयं से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न आपको आने वाला है। तो अब मैं स्टेप वाइज धीरे धीरे आपको सब बातों को समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इन बातों को सीखें। एकदम स्टेप वाइज धीरे धीरे मैं सभी बातों को आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इमेज फॉर्मेशन सर क्या होता है, व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर हम लोगों ने बनाया है और आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर, मिरर के सामने ही तो आप खड़े होते हैं। इसका मतलब यदि आपके पास प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके सामने आप खड़े होंगे, मतलब आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और मिरर में आपको इमेज दिखेगा, मिरर में क्या दिखेगा आपको, इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, यही आप देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर बनाया गया है, यहां भी कॉनकेव मिरर बनाया गया है। तो ये देखिए सबसे पहला चीज होता है ऑब्जेक्ट, यहां है ऑब्जेक्ट और आप देख सकते हैं इसका इमेज इस प्रकार से यहां बनाया गया है। यहां भी देख सकते हैं यह है ऑब्जेक्ट और इसका ये क्या है, इमेज है। थोड़ा और मैं आपको दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होते जाएगा। यहां भी देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। ये है ऑब्जेक्ट और ये इधर बहुत दूर पे एक इमेज बनेगा। यहां आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दूसरा क्या है, इमेज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज को यहां पर दिखाया गया है कि कैसे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और कैसे उसका इमेज बनेगा। तो ये तो सबसे पहला मैंने आपको सिखाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। अब एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया ऑब्जेक्ट को रखना होता है और उसका इमेज जो बनता है उसे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा चीज, इन ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जाता है, तो इसे ही मैं पहले बता देता हूं, एक एक स्टेप में बताते जा रहा हूं और लास्ट में तो आप सब चीज सीख ही जाएंगे। चलिए ये देखिए, यही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकल फोकस बोलेंगे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर इन्फिनिटी हम लोग मानते हैं, इधर इन्फिनिटी हम लोग मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जाता है, तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने, यहां तो नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन यहां तो क्लियर पता चल रहा है कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोगों ने रखा है, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट को पहला चीज है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं और अलग अलग जगहों पे रखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर कहाँ रखते हैं, एफ पर, और फिर कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में। यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है, या तो कॉनकेव मिरर हो या तो क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर हो। तो पहला चीज मैंने सिखा दिया आपको कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखना है। तो ये आपको सिर्फ सीखना नहीं, एकदम याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखना है। पहले कहां रखना है, इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच में, तीसरा क्या हो गया, सी,
चौथा क्या होगा सी और एफ के बीच में, पांचवा क्या हो गया एफ पे, छठा क्या हो गया एफ और पी के बीच में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इसके बाद बताइए क्या हो गया सी और इन्फिनिटी के बीच में, इसके बाद क्या हो गया ये सी पर हो गया, फिर आप देख सकते हैं सी और एफ के बीच में हो गया, फिर बताइए कहाँ पे रखेंगे एफ पर, तो ये एफ पर हो गया, और फिर कहाँ रखेंगे एफ और पी के बीच में रखेंगे, तो ये एफ और पी के बीच में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, इतना बात आपने सीख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से होकर कुछ रेज को पास कराया जाता है। तो पहले मैं आपको रे दिखा दे रहा हूं, देखिए आप यह है ऑब्जेक्ट, तो इससे कुछ रेज को पास कराया गया और उसके बाद रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करते हुए ये यहां पर आ रहे हैं। ये भी देख सकते हैं रिफ्लेक्शन का नियम का पालन करते हुए यहां पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रेज इस प्रकार से हम लोग यहां पर बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रे डायग्राम भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने तीन बात सीख लिया। पहला बात सीख लिया कि ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रखना होता है और उसका इमेज हम लोग को प्राप्त करना है। दूसरा मैंने सिखा दिया कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखना होता है, और तीसरा मैंने सिखाया कि इस प्रकार से रेज को आपको पास कराना होता है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न हो गया कि ये रेज जो हम लोग पास करा रहे हैं तो वो किन नियमों का फॉलो करेंगे और कितने प्रकार के रेज को हम लोग को पास कराना है। तो चलिए यह हम लोग आप सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए जो सबसे पहला रे हम लोग यूज करते हैं वह होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख सकते हैं यही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहला रे गुजारा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारा जाता है वह एफ से होके गुजरता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारा जाएगा वो किससे गुजरेगा, एफ से। जैसे कि ये देखिए पैरेलल हुआ तो किससे गुजर रहा है, एफ से। तो ये पहला रे है जो कि आपको बनाना होता है। दूसरा, यदि कोई रे एफ से जा रहा है तो वह पैरेलल होता है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। यदि कोई रे एफ से गया तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। यदि कोई रे एफ से गया एफ से तो ये हो जाएगा पैरेलल, ये दो हो गया। तीसरा, यदि कोई रे सी से जा रहा है तो वापस सी से होके ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और चौथा, यदि कोई रे पी पर जा रहा है तो यहां जितना आई होगा उसी के बराबर आर का मान लेते हुए यह बाहर निकल जाएगा। तो मैंने दिखाया आपको, फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं ड्रा करने का। देखिए सबसे पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो वो एफ से गुजरेगा, ये हो गया पहला एफ से। दूसरा, यदि कोई एफ से गुजर रहा, अब यदि कोई रे एफ से जा रहा है, ये देखिए एफ से जा रहा है तो यह क्या हो गया, पैरेलल होगा। तीसरा, यदि कोई सी से जा रहा है तो वापस सी से ही जाएगा ये इस प्रकार से। और चौथा, यदि पी पे जाता है तो आई बराबर आर बनाते हुए यह निकल जाएगा। तो इन्हीं रेज का हम लोग यूज करते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। देखा आपने, सी से जाएगा तो सी से चला जाएगा, पी से जाएगा तो आई और आर बनाएगा। यदि यहां पर हम लोग पैरेलल खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो एफ से गुजरेगा, और यदि कोई रे एफ से जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। तो यही बात हम लोगों को ध्यान रखना है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से रेज को पास कराया गया है, और जब रेज को पास कराया जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको इस इमेज के बारे में पूछता हूं कि बताइए इसमें किस प्रकार का रे को पास कराया गया है। तब देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से होते हुए एक पैरेलल रे गया है, तो बताइए कहां से होके गुजरेगा, तो ये एफ से होके गुजरेगा। दूसरा, ये एफ से होते हुए जा रहा है तो कैसे जाएगा, तो ये पैरेलल जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये कट रहा है, मीट कर रहा है, और उस प्रकार से एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो रेज है जब ऑब्जेक्ट से होते हुए जा रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज से, मिरर से, तो किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, एक्चुअली ये मिल रहा है। यहां भी देख सकते हैं आप, ये रेज गया तो
तो यहां पर ये मिल रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे है तो वहां से ये रेज आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एफ पर ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इमेज यहां पर कहां बना, एफ पर, यहां पर इमेज देख सकते हैं आप एफ और सी के बीच में बन रहा है, और यहां इमेज देख सकते हैं आप कहां बन रहा है, सी पर। तो ये भी याद करना होता है, मैं इस सब चीज को बताऊंगा, अभी तो मैं छोटा छोटा बात आपको बताने वाला हूं। तो इस प्रकार से जो इमेज बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, जो रेज के एक्चुअली कटने से बनता है। एक्चुअली में ये कट रहा है, यहां पे आपको इमेजिनरी नहीं काटना है। उस प्रकार से जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो आप देख सकते हैं यहां पर रियल इमेज, यह भी क्या है, एक रियल इमेज जिसका सिर नीचे की ओर है, यह भी क्या है, रियल इमेज जिसका सिर क्या है, नीचे की ओर, यह भी क्या है, रियल इमेज जिसका सिर क्या है, नीचे की ओर। यह देखिए, यह व्यक्ति है जिसका इस प्रकार से मुंह है, लेकिन जब ये अपना चेहरा को यहां देख रहा है तो इसका चेहरा क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो इस प्रकार के इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज, जो कि एक्चुअली रे के कटने के कारण बन रहा है, और साथ ही साथ इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। तो अब आप समझ रहे होंगे कि रियल इमेज किसे कहते हैं और रियल इमेज क्या होते हैं, इन्वर्टेड। आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर जितने भी इमेज हैं सब क्या है, इन्वर्टेड है। और भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो आप बताइए रियल इमेज है या नहीं। हां, ये रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि अब जान रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रेज पास कराते हैं, रेज पास कराने के बाद यदि वो एक्चुअली में कहीं कट रहा है और उससे इमेज बन रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। इसका मतलब ये वाला क्या है, रियल इमेज है। तो बताइए यह इन्वर्टेड है कि कैसा है। तो हाँ, ये इन्वर्टेड है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां भी एक रियल इमेज ही बन रहा है, और इसका इमेज बहुत दूर बन रहा है, और बहुत बड़ा भी बन रहा है, और यह भी कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड ही बन रहा है। तो यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो आप इसका आंसर आप जरूर कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइए, ये जो पैरेलल गया यहां से लाइन और इस प्रकार से आया, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका ये इमेज बन रहा है, तो पहले आपको यह बताना है यह रियल है या वर्चुअल है। तो यह है वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअली में ये रेज यहां पर नहीं आ रहे हैं, यहां पे हम लोग जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। वर्चुअली, वर्चुअल है मतलब इमेजिनरी लाइंस यहां पे हम लोगों ने लाया और फिर इसको हम लोगों ने मिलाया। तो इस प्रकार का जो इमेज बनता है जिसमें एक्चुअली में ये रेज आपस में नहीं कटते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हैं यहां पर यह वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और वर्चुअल इमेज आप बताइए कि कैसा है। तो आप देखेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या है, इरेक्ट है। तो यदि एक्चुअली रेस के कटने से जो इमेज बना है, बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। और जो लाइन को इमेजिन करके बनाया, रेस को इमेजिन करके बनाया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, इमेजिनरी। रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो यहीं से आपका एक प्रश्न आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हैं यह है रियल इमेज और यह क्या है, वर्चुअल इमेज। एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट करता है रेस तो बन जाएंगे रियल इमेज, और इमेजिनरी बनता है तो यह क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज। दूसरा, यह क्या होता है आपका, इन्वर्टेड होगा, और यह क्या होगा आपका, इरेक्ट होगा। एक पॉइंट जो आपको याद कर लेना, इसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है और इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली में यहाँ नहीं कटता है, और रियल इमेज को हम लोग एक्चुअली में स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है, कटता है। तो ये था आपका डिफरेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। तो अब आप ऑब्जेक्ट समझ गए, इमेज समझ गए, और बहुत सारे बात आप समझ गए हैं। तो अब देखिए, यह है ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। तो अब बताइए कि इसका साइज पे यदि हम लोग आते हैं, तो यह ऑब्जेक्ट का साइज और ये क्या है, इमेज का साइज। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, और इमेज का साइज क्या है, छोटा है। यहां पर देखें कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या है, बराबर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में
जो ऑब्जेक्ट का सॉरी जो इमेज का साइज है वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा हो सकता है। तो यही सब बातें आपको याद करके रखनी है। जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो इन सभी बातों को आपको याद करके रखना है एक साथ, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि एनसीईआरटी से लाइट चैप्टर समझना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं आपको अलग से भी समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ खास बातें नहीं लिखी गई हैं, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखना है और फिर इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सिर्फ पढ़ने का चीज़ नहीं, इसको आपको याद रखना है। यदि आप इस बात को याद नहीं रखेंगे तो आप इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत कम प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं, और इसी के आधार पे आप प्रश्नों को कर भी सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको सारे रे डायग्राम्स को डिस्क्राइब करूँगा इजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।